हाय गाइस वेलकम बैक। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का लास्ट वीडियो है एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन फाइल हैंडलिंग एंड इन पीडीबीसी। पीडीबीसी मींस पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो ये जो पाइथन फाइल है एग्जाम्पल डॉट पाई, ये डेस्कटॉप पे प्रेजेंट है एंड डेस्कटॉप पे एक और टेक्स्ट फाइल है लीड कोड डॉट txt। मैं उसे ओपन करता हूँ। सो ओपन लीड कोड डॉट txt एंड ये फाइल प्रेजेंट है। मैं मोड स्पेसिफाई करता हूँ आर मोड। सो रीड मोड के लिए मैंने ओपन किया। Assign it to the variable yf, yf is file handler, then हम perform करेंगे operations and then we'll close the file, then हमारा होगा rest of code। अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो ये सक्सेसफुली रन होगा क्योंकि ये फाइल प्रेजेंट है। लेकिन सपोज गलती से मैं डैश देता हूं, सो lit dash code dot txt एंड ये फाइल प्रेजेंट नहीं है। सो इसके लिए मुझे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन एरर मिलेगा। सो मैं रन करता हूँ। यू कैन सी फाइल नॉट फाउंड एरर एक्सेप्शन, नो सच फाइल और डायरेक्टरी एंड इसकी वजह से रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हो सकता है कि रेस्ट ऑफ कोड में कुछ इंपॉर्टेंट कोड हो। इसीलिए हमेशा फाइल को ओपन करने का कोड ट्राई ब्लॉक में लिखो। अगर कुछ भी एरर आता है, कुछ भी एक्सेप्शन आता है तो उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करो। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज obj इज वेरिएबल, प्रिंट द वेरिएबल। तो प्रिंट obj। सो इसके लिए एरर मैसेज प्रिंट करके मिलेगा, प्रोग्राम का फ्लो नहीं रुकेगा एंड रेस्ट ऑफ कोड ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अभी भी इसमें एक एरर आएगा। लेट्स सी, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए नेम एरर, नेम यफ इज नॉट डिफाइंड। अब ये क्यों आया, इसका रीजन समझते हैं। जब पाइथन इंटरप्रिटर ट्राई ब्लॉक में एंटर किया तो पाइथन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। कोई भी स्टेटमेंट राइट हैंड साइड से एग्जीक्यूट होता है, मीन्स सबसे पहले राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगी। सो ये ओपन करने की कोशिश करेगा ये फाइल एंड ये फाइल प्रेजेंट ही नहीं है। सो एक्सेप्शन आ गया, ये वेरिएबल क्रिएट ही नहीं हुआ एंड डायरेक्टली जो कंट्रोल है वो एक्सेप्ट ब्लॉक में चला गया। देन एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ एंड लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट हुआ यफ डॉट क्लोज। अब यफ नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है, कोई हैंडलर ही नहीं है। सो दैट्स वाई ये बोल रहा है नेम एरर, नेम यफ इज नॉट डिफाइंड। ऐसे केस में हम एल्स ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे, राइट हियर एल्स ब्लॉक एंड ये जो फाइल क्लोज करने का कोड है पुट इट इन एल्स ब्लॉक एंड ऑपरेशंस हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस इन द ट्राई ब्लॉक। सो ट्राई ब्लॉक में फाइल को ओपन करने का कोड एंड ऑपरेशंस परफॉर्म करने का कोड, एक्सेप्ट ब्लॉक में एक्सेप्शन हैंडल करने का कोड एंड एल्स ब्लॉक में फाइल को क्लोज करने का कोड। तो ये फाइल क्लोज होगी जब फाइल ओपन करने के बाद सब ऑपरेशंस किए जाएंगे तब। सो हो सकता है कि आपने फाइल रीड मोड के लिए ओपन की है एंड आप राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। सो यफ डॉट राइट एंड आपने कुछ मैसेज राइट किया हेलो वर्ल्ड। सो ऐसे केस में ये आपको एक एक्सेप्शन देगा। अभी नहीं देगा क्योंकि हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज किया है, लेकिन इसके लिए भी कुछ एक्सेप्शन आ सकता है। सो इसीलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करना चाहिए इन फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट्स। अब बात करते हैं पीडीबीसी के बारे में। सो जब भी आप पाइथन का यूज करके डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले पाइथन एंड डेटाबेस का कनेक्शन आपको बनाना पड़ता है। इसके लिए हम यूज करते हैं MySQL मॉड्यूल का। सो MySQL डॉट कनेक्टर को हम इंपोर्ट करेंगे। इसके अंदर एक कनेक्ट मेथड होता है, उस मेथड का यूज हम करेंगे इन ऑर्डर टू कनेक्ट पाइथन एंड डेटाबेस। मेरे सिस्टम में डेटाबेस अवेलेबल नहीं है इस करंट सिस्टम में, तो मैं इस प्रोग्राम को रन नहीं करूंगा, लेकिन प्रोग्राम मैं आपको समझाता हूँ। सो इस MySQL डॉट कनेक्टर में कनेक्ट नाम का एक मेथड है, उस मेथड को हम कॉल करेंगे। इस मेथड के अंदर हमें कुछ चीजें पास करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज यूजर। यूजर हमेशा रूट यूजर होता है। देन विल राइट पासवर्ड। सो मैं मेरा पासवर्ड लिख देता हूं, सपोज shantanu123 ये पासवर्ड है। देन होस्ट आपको देना पड़ता है, ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं। यहाँ पे आप लोकल होस्ट लिख सकते हैं और 127.0.0.1 भी लिख सकते हैं विच इज IP ऑफ लोकल होस्ट। देन पोर्ट आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू रहता है 3306। सो 3306 इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ MySQL। देन अगर आपको किसी डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है तो उस डेटाबेस का नाम आप लिख सकते हैं कंसीडर स्टूडेंट डेटाबेस है। मेरे डेटाबेस में स्टूडेंट डेटाबेस प्रेजेंट है। सो जब भी ये कनेक्शन बनाएगा तो ये पासवर्ड चेक करेगा, यूजर चेक करेगा। कंसीडर मेरा पासवर्ड शंतनु123 है एंड मैंने एंटर किया shantanu@123 मीन्स मैंने गलत पासवर्ड एंटर किया, तो ये कनेक्शन नहीं बनाएगा और आपको एक एक्सेप्शन दिखेगा, आपका प्रोग्राम फ्लो रुक जाएगा। तो इसीलिए ये जो कनेक्शन बनाने का कोड है हमेशा इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डालो। सो ट्राई करो, कनेक्शन बनाना ट्राई करो, अगर कुछ एरर आता है तो उसको हैंडल करो। सो जब भी हम पीडीबीसी में कनेक्शन बनाएंगे, कनेक्शन बनाने का कोड जो फंक्शन होता है, जो मेथड होता है, वो हमेशा ट्राई ब्लॉक में लिखो एंड देन एक्सेप्ट। यहाँ पे आप एक्सेप्शन का नाम भी प्रिंट कर सकते हैं और यू कैन प्रिंट सिंपल मैसेज कैन नॉट कनेक्ट, समथिंग इज रॉन्ग। सपोज आप पोर्ट गलत देते हैं। सो आप यूज कर रहे 3306 पोर्ट एंड आपने यहाँ पे मेंशन किया 3305। सपोज आपके सिस्टम में जैम्प है और वो हाँ का जो MySQL है वो 3306 यूज कर रहा है, तो आपका MySQL जो कि आपने सेपरेटली इंस्टॉल किया है वो सेम पोर्ट यूज नहीं करेगा। पोर्ट इज बिजी देन, तब आपको एक्सेप्शन मिलेगा। सपोज आप लोकल होस्ट का जो आईपी, सपोज आपने आईपी दिया तो आईपी आप गलत देते हैं, उस केस में ये कनेक्शन नहीं बनाएगा। सो अगर आप ये डिटेल्स में कुछ भी गलती करते हैं तो ये कनेक्शन नहीं बनाएगा। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्शन मैसेज, एक्सेप्शन एरर मैसेज, हम सिंपली प्रिंट करेंगे कैन नॉट कनेक्ट, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो पीडीबीसी में हम ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करते हैं ऐसे केसेस में। और भी बहुत सारे यूसेज हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।